छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी सीट है जिस पर राजनीतिक पार्टियां ज्यादा मंथन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैसे तो 90 सीटें हैं, लेकिन उनमें से 36 सीटें हैं जो नेताओं की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर ना तो भाजपा भरोसा कर सकती है और ना ही कांग्रेस। यानी साफ है कि छत्तीसगढ़ में 36 सीटों का दोनों दलों के लिए आंकड़ा 36 का है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर जमीन पर हैं। बहुमत के आंकड़े को हासिल करने एक एक सीट का विश्लेषण हो रहा है। वैसे तो प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 71 पर कांग्रेस, 14 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी, लेकिन 2018 के आंकड़ों को छोड़ दें तो प्रदेश की 20 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं 25 सीटें कांग्रेस की अभेद्य किला मानी जाती हैं। इसके अलावा 2 सीटें बसपा के खाते में हैं। यानी 47 सीटों पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। इसके अलावा 7 ऐसी सीटें हैं जिसे बीजेपी ने पहले कांग्रेस से छीना और बाद में कांग्रेस ने वापस बीजेपी से हथिया लिया। बची हुई 36 सीटों पर घमासान होने के आसार दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से यदि 36 सीटों की बात करें तो इसमें 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें कभी भी एक पार्टी को दोबारा मौका नहीं मिला है, मतलब या तो कभी कांग्रेस या कभी बीजेपी रही है। वहीं 18 सीटें ऐसी है जिसमें लगातार 2 बार बीजेपी रही और 2 बार कांग्रेस रही। इसमें भी 18 में 16 सीटें ऐसी है जिसमें शुरुआत में 2 बार बीजेपी थी, लेकिन ये सीटें आज कांग्रेस के पास है। जबकि 2 सीटें ऐसी है जिसमें शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी के विधायक हैं। ग्राफिक्स के जरिए जरा इन 36 सीटों के समीकरण को समझते हैं। 36 में से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस को भले ही 2-2 बार मौका मिला, लेकिन कोई भी पार्टी लगातार 2 बार कभी नहीं जीत पाई। और अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो प्रदेश की 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी अब जीत की उम्मीद लगा रही है। ये सीटें हैं प्रतापपुर, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, सक्ती, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, रायपुर उत्तर, आरंग, राजिम, सिहावा और भिलाई नगर, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के एमएलए हैं। वहीं 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो 2018 में बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आशान्वित होंगी। ये सीटें हैं बिल्हा, अकलतरा, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा। अब बात करते हैं उन 18 सीटों की जहां पर पहले 2 बार बीजेपी और बाद में 2 बार कांग्रेस जीती है। यानी जहां पर 2018 से पहले बीजेपी लगातार 2 बार विजयी रही, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया। ऐसी करीब 16 सीटें हैं जिसमें प्रेमनगर, भटगांव, रामानुजगंज, सामरी, रायपुर ग्रामीण, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, दुर्ग शहर, डोंगरगांव, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, बस्तर और चित्रकूट शामिल है। जबकि भाटापारा सीट 2013 तक कांग्रेस के पास थी। जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों का इन 36 सीटों पर समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ सीटें ऐसे हैं जहां अनिश्चितता की स्थिति रहती है, उन सीटों के ऊपर फोकस करके तैयारी यदि की जाए तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सीटों को चिन्हांकित किया गया है और चिन्हांकित करने के बाद में अभी से काम प्रारंभ कर रहे हैं। जनवरी से हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हो रहा है, हमारी बूथ कमेटियां बन रही है, तो हम लोग 2023 और 2024 के चुनाव के लिए हमने कमर कस लिया है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से अब तक यहां 4 बार चुनाव हुए हैं, 3 बार बीजेपी की तो 1 बार कांग्रेस की सरकार बनी। 15 साल सत्ता में राज करने वाली बीजेपी 2018 में 15 सीटों पर सिमट गई, तो कांग्रेस रिकॉर्ड 68 सीटें जीतकर सत्ता का वनवास खत्म करने में कामयाब हुई। एक बार फिर से चुनाव की बारी है। अब देखना है कि इस बार किसके अभेद्य गढ़ बचते हैं और किसके किले ढहते हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।